हम सीख रहे हैं इडियम्स यानी ज़र्बुल मिस्ल। अब बारी है इडियम नंबर 21 की, मिलकर इसे पढ़ते हैं। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, मीनिंग टू हियर अ रूमर, यानी किसी अफवाह का आप तक पहुंचना। सेंटेंस, आई हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट वी विल हैव अ न्यू मैनेजर इन द कंपनी सून, यानी मैंने ये अफवाह सुनी है कि हमारी कंपनी में बहुत जल्द ही एक नया मैनेजर आने वाला है। इडियम नंबर 22, इट टेक्स टू टू टैंगो, मीनिंग एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन, यानी किसी काम को अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। सेंटेंस, इवन दो इट सीम्स एज ईजी, माफ कीजिएगा, इवन दो इट सीम्स एन ईजी टास्क बट यू मस्ट हैव समवन टू हेल्प यू टू मेक इट परफेक्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी हालांकि बज़ाहिर तो ये काम आसान नज़र आ रहा है लेकिन तुम्हें ज़रूर किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए ताकि तुम इसे बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सको, क्योंकि एक से बेहतर दो। इडियम नंबर 23, लास्ट स्ट्रॉ, मीनिंग द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सी मुश्किलात के आखिर में सबसे बड़ी मुश्किल का पेश आना। सेंटेंस, द बॉस वॉज ऑलरेडी नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस and the recent failure was the last straw, so he was fired, yani malik pehle hi uski karkardegi se khush nahi tha aur hal hi mein hone wala nuksan ya nakami ne to had kar di, lihaza use naukri se nikal diya gaya. Idiom number 24, to be in the doldrums, meaning to be in low spirits, yani himmat haar jana. Sentence, it took him long to come out of the doldrums after he was beaten by his opponent in the final match. Yani use apni mayusi ki kaifiyat se bahar nikalne mein der lagi ya bada waqt laga ikhtitami match mein apne madde muqabil se haarne ke baad. Opponent se murad hai harif, yani jisse muqabla kiya jata hai. अब देखते हैं idiom number 25, to sit on the fence, meaning to remain neutral, यानी गैर जानिबदार रहना या फिर किसी की भी साइड ना लेना। Sentence, it is better to sit on the fence during a fierce argument between two good friends because no sooner they will become friends again, यानी जब दो अच्छे दोस्त एक दूसरे से पुरजोर बहस कर रहे हों तो इस सूरत हाल में गैर जानिबदार रहना बेहतर है, क्योंकि बहुत जल्द ही वो दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। इडियम नंबर 26, ब्रेक द आइस, मीनिंग टू इनिशिएट अ सोशल कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, यानी किसी से मेल मिलाप शुरू करना ताकि वो आसानी से अपने माहौल में घुल मिल जाए। Sentence, the orientation session for the new students was held to break the ice by making the students feel familiar with the teachers. यानी रुख बंदी के लिए या फिर चीज़ों को समझने में आसानी पैदा करने के लिए जो इजलास किया गया नए तालिब इल्मों के लिए, तो उसका मकसद था कि उन तालिब इल्मों को उसातज़ा से मानूस करवाया जा सके ताकि वो उस माहौल में आसानी से घुल मिल सकें या वहाँ अच्छा महसूस करें। इडियम नंबर 27, अ बर्ड्स आई व्यू, मीनिंग अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस दैट अलाउज यू टू सी अ वेरी लार्ज एरिया, यानी किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे की जगह का नज़ारा करना कि गोया जैसे चिड़िया को बुलंदी से नीचे सारा मंजर नज़र आ रहा होता है। सेंटेंस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वी कुड सी अ बर्ड्स आई
व्यू ऑफ द सिटी, यानी पहाड़ी के ऊपर से हम पूरे शहर का नज़ारा कर सकते थे। इडियम नंबर 28, अ लिटमस टेस्ट, मीनिंग अ मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट, यानी वो गुर या तरीका जिसकी मदद से किसी काम के मयार के मुतालिक जांचा जा सके कि आया वो दुरुस्त है या नहीं। सेंटेंस, द न्यू चैलेंज विल सर्व एज अ लिटमस टेस्ट टू नो माई एबिलिटीज, यानी ये नई मुहिम या नया चैलेंज जो है ये मुझे अपनी सलाहियतों के मुतालिक जानने में मददगार साबित होगा, यानी अगर मैंने इस चैलेंज को ठीक से मुकम्मल कर लिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि मैं काबिल हूँ, यानी मैं इस चैलेंज की मदद से ख़ुद को जांच सकूँगा। इडियम नंबर 29, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मीनिंग विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, यानी किसी काम को फौरन ही कर डालने की सलाहियत रखना। जुमला, At first he was slow at his work, but after the training session he finishes every task at the drop of a hat. अगर इसी जुमले को पंक्चुएट कर दिया जाए कॉमर्स की मदद से तो इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा। At first he was slow at his work, but after the training session he finishes every task at the drop of a hat. यानी पहले तो वो काम ख़त्म करने में या काम करने में काफ़ी सुस्त था, लेकिन तरबियती अमल से गुजरने के बाद अब वो हर काम को फौरन ही ख़त्म कर देता है या फिर झटपट कर लेता है। इडियम नंबर 30, अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो, मीनिंग टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड। सेंटेंस, यू कैन नॉट, माफ़ कीजिएगा, टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड से मुराद है कि वो शख्स जो कि आसानी से डर जाता हो। सेंटेंस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू स्टे इन द हाउस अलोन फॉर शी इज अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो, यानी आप उससे घर पर अकेला रहने की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तो अपने साए से भी डरती है। तो ये थे चंद और अहम इडियम्स, इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए। इससे अगली वीडियो में हम चंद और अहम इडियम्स को डिस्कस करेंगे।